नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम आज बात करेंगे उस कल्चर की, न जाने कितनी बार वो लोगों को परेशानी में डाल देती है। कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, और कभी कभी तो जब हूटर बस्ती गाड़ियां आपके बगल से निकलती हैं तो आप भी परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब, ये कौन से अधिकारी, कौन से मंत्री जा रहे हैं। अब उन्हीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेने की बात कही है। कहें हूटर बजा तो चलान कटा, और नहीं अगर आपने उसके बाद भी माने तो जेल तक जाना पड़ेगा। आज हम इसी बात पर बात करेंगे, वीआईपी कल्चर का खात्मा। ये नायब तहसीलदार में ही पुरवा है और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ अरसलान, नायब तहसीलदार में ही पुरवा। एक छोटा सा आपने क्लिप देखी जहां पर बहराइच के वो तहसीलदार हैं। बहराइच के तहसीलदार को आप छोड़ दीजिए, पूरे यूपी में ऐसे तमाम लोग हैं जो बकायदा ये कार्य कर रहे हैं। अब तो लाइटें आने लगी हैं, पहले ही होता था कि लाल नीली बत्ती बड़ी मुश्किल से मिल रही है लोगों को, लेकिन आजकल बड़ी आसान किस्तों में मिल जाती है। आपने इतना पैसा दिया, आपकी गाड़ी में लाल नीली बत्ती लग गई। ऐसा हुआ क्यों भाई? एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये तहसीलदार जो हैं, ये जहाँ होंगे वहाँ ये काम करते होंगे। तहसीलदार हैं, इतनी बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं, धमका भी रहे हैं, बकायदा वायरलेस भी लगा है। कौन सी ये पेट्रोलिंग करने निकलते हैं रात में? एक बार वीडियो आप देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये आप कौन? नायब तहसीलदार। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थाई जाए आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी पे हाई कोर्ट लेके जाता। नहीं, हाई कोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार में ही पुरवा है और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ अरसलान, नायब तहसीलदार में ही पुरवा। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के, पहले गाड़ी का चालान होगा उसके बाद। तो देखिए, अब हाई कोर्ट जाने के मतलब हद है। अगर आपसे कह दिया गया तो आप अब कह रहे हो कि हाई कोर्ट चले जाओ। चलिए, ये तो अधिकारी हैं, और इन अधिकारियों के वजह से ही जो हालत हुई है ना, ये सब लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। इससे पहले लगता 13 जून का वो दिन था जब योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था अधिकारियों को लेकर। उस ट्वीट को देखिए, जिसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है, ये देखिए, वीआईपी कल्चर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी या प्राइवेट वाहनों पर प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए। वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमित ही हूटर बजे। यदि कहीं से भी सूचना मिले तो कार्रवाई तय है। सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये तो गाड़ियों के लिए है वीआईपी कल्चर। अभी तो और भी कल्चर जो नए पुराने थे, लेकिन उन्हें फिर से रिवाइव किया गया है। पहले ये था कि कभी कदार खबरें आती थी कि भाई सीएम साहब के यहाँ कोई पहुंच गया, सीएम साहब से भेंट हो गई, फिर वो चीज़ें बंद हुई,
फिर सिर्फ जनप्रतिनिधि जाने लगे, वो भी एक खास जगह से आते थे, वो फिर वो जा रहे हैं, फिर फोटो डाली जा रही। लेकिन आज मैं सुबह से देख रहा था, जब एक्स पे वॉल खोली गई सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो खुद देखिए कितने लोगों से मिल रहे हैं वो, लगभग 20 से 25 लोगों से वो मिले। पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी से शिष्टाचार भेंट, विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक से मिले महाराज जी, फिर दयाराम चौधरी हैं पूर्व विधायक, और सब ये आज कार्यालय में मिल रहे हैं। दरवाजा खुल चुका है, आइए भाई साहब मिलिए। पूरे चुनाव में ये आरोप लग रहे थे कि योगी जी मिल नहीं रहे हैं, मिलने में क्या दिक्कत है, अब तो सबसे मिल रहे हैं, जवाब दिया है। अच्छा, वो यहीं पे से, ये तो पूर्व विधायक विधायकों की बात है, तमाम जिला पंचायत सदस्य भी मिले हैं आज उनसे। जनता दरबार था ना, हर मंगल लगता था और हर शनिवार इतवार आपको गोरखपुर में मिल जाता था। गोरखपुर की तस्वीरें देख लीजिए, ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं, और जिनको आप पीछे से देख रहे हैं ना, ये अब महिलाएं अब वर्दी में नहीं है, महिलाएं अब सामान्य वेशभूषा में है, और वो बकायदा पूरी बात हो रही है, वो बेचारी खड़ी है। ये जनता दरबार लगना बंद हो गया था, सीएम को लगा कि अधिकारियों ने हमको दूर कर दिया, और अधिकारियों की वजह से ही है। अधिकारी अपनी गाड़ियों में लाल नीली बत्ती लगा के घूमेंगे, कहेंगे हाईकोर्ट चले जाइए, अधिकारी तक बात पहुंच ही नहीं रही है, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। दर्शन कार्यक्रम जिला रेंज जोन स्तर पर तत्काल शुरू किए जाएं, यह भी 13 जून का ही पोस्ट है। अधिकारी लोगों की समस्याएं अपेक्षाएं सुने, एक तय समय सीमा के भीतर निस्तारण करें। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक है, आम आदमी का विश्वास जीतें। ये मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा अधिकारियों से, वरना हो क्या रहा था कि चुनाव के बीच में आपको खबरें आ रही थी कि फला थाने में जब कोई नहीं सुन रहा तो एसपी ऑफिस में जाकर लोग आग लगा रहे हैं, लोग जहर खा रहे हैं, और मामले क्या होते थे, जमीन पर कब्जा, पुलिस भटका रही है, एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगवा रही है, लेकिन एक्शन पे आना पड़ा और फीताशाही खत्म करने की बात कहनी पड़ी। वरना जहां कमिश्नरी लागू है वहां पे सब अधिकारी हैं, वो सब आईपीएस हो गए, चाहे वो कांस्टेबल हो, वो उस तरीके से अपने आप को ट्रीट करता है कि शायद उसकी सीधी रिपोर्टिंग डीजीपी ऑफिस में हो, काम ढेले बराबर नहीं करते हैं। बेहतरीन अपनी गाड़ी के आगे पुलिस की कैप रख ली, टोल पे जब मन किया मारपीट कर ली, और सारे उनके लिए नियम कायदे नहीं, बस पुलिस में ये कल्चर लागू हुआ जिसने लोगों को परेशान किया, और जब लोग परेशान होते हैं तो आप नतीजे खुद देखिए क्या होता है। इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश यादव हैं सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आलोक त्रिपाठी जी के पास ही चलूंगा। आलोक जी, वीआईपी कल्चर, और वो वीआईपी कल्चर इसलिए इतना है, वरना जब 2017 में महाराज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले वीआईपी कल्चर ही खत्म किया था, और ये एक प्रथा बन गई है। मैंने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब वो बने पंजाब के सीएम तो भी उन्होंने कहा वीआईपी कल्चर खत्म करना है। ठीक है, अब फ्लीट में दो गाड़ियां रहेंगी, 10 मिनट पहले रास्ते ब्लॉक होंगे, और ब्लॉक नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम कहें कि भैया फ्लीट कम हो गई तो 18 गाड़ी तो अभी भी चल रही हैं मंत्रियों के साथ, सीएम बराबर उनको फ्लीट चाहिए, काफिले के काफिले निकलते हैं और फिर टोल पर बवाल करते हैं, हूटर बजेगा तो बसता ही जाएगा, कि उनको ये लग रहा है कि मंत्री जी और विधायक जी हमारे हूटर से ही जीत जाएंगे। होटर खिंचा है, बत्ती जल रही है,
अब नारा रहा तो लगाने का चलन चला गया है, अब उनको लग रहा है हूटर खिंचा है तो अपना सब मामला तय है। यही अधिकारी भी कह रहे हैं उनका हूटर खिंच गया, उनको जनता की समस्या सुनाई नहीं दे रही है और हमें भी काम करने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से सबने अपनी दुनिया बना ली है, उसी में जी रहे हैं। जी विशाल जी, देखिए योगी जी का ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। तो जिस तरह से कल की घटना सामने आई, ये तो मतलब एक बानगी टाइप की है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं, आप राजधानी लखनऊ में ही ये सब चीजें घटनाएं दिखती हैं। तो जब तक इन पे अंकुश नहीं लगेगा, जनता तो यही चाहती ना सुख चैन से मैं रहूं, मैं अगर सड़क पे निकले तो इस तरह की लोग ना। चूंकि होता क्या है कि इस तरह की जो लाल नीली बत्ती लगा के हूटर लगा करके कई अराजक तत्व भी इसका फायदा उठाते हैं। और जैसे जिन पुलिस के अधिकारी ने नायब तहसीलदार जी की गाड़ी रोकी, बहुत से तो ये हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं लाल नीली बत्ती देख करके कि गाड़ी को रोकें। तो और उसमें कई बार अपराधी भी निकल जाते हैं, और कुछ लोग तो इसका उपयोग सिर्फ टोल टैक्स बचाने के लिए करते हैं। तो ये अलग अलग एक मामला है। और जैसे आप देखिए कि जो वीआईपी सुरक्षा कर्मी होते हैं, तो अब क्या है कि उनका देखा देखी कई प्राइवेट जो अपराधी टाइप के लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने उसी की ड्रेस बनवा करके अपने साथ में 10-15 गनर रख लिए हैं, जो सेम वही ड्रेस पहनते हैं, जिसमें कि आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सरकारी गनर हैं या प्राइवेट गनर हैं। और जो प्राइवेट गनर होते हैं वो सब कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त होते हैं, और वो सब चलते हैं पूरा घेरा बना करके अपराधी के साथ में। तो ये सब एक कल्चर है जिसमें जनता में भय पैदा होता है और जनता डरती है। तो ये एक अच्छा कदम है यूपी सरकार का, और इस तरह पे थोड़ा और अंकुश लगाए। और सबसे खास बात, आलोक जी आपको रोकूंगा, सुरेश अवस्थी दर्शक हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश जी अपनी बात को रखें। विशाल जी, ये बहुत ही अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जो ये तो मनमानी जो अधिकारी करते थे, पुलिस प्रशासन से लोग करते थे, जनता ऐसे भटक रही होती है, उनकी समस्या को कोई सुनता नहीं था। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, समस्या का समाधान नहीं होता था। थाने में जो जाते थे फरियादी अपनी फरियाद लेके, पुलिस वाले ऐसे दुष्कार के भगा देते थे जैसे वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं बैठे, जनता को भगाने के लिए बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सख्ती से निपटना चाहिए जो आदमी लापरवाही ना कर सके जनता के साथ। जी बिल्कुल, तमाम अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश अवस्थी आपका। प्रेम चेन्नई से हम एक दर्शक और जुड़े हुए हैं। प्रेम अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वीआईपी कल्चर जो ये बोल रहे हैं कि योगी जी खत्म करना चाहते हैं, अरे इन्होंने तो वीआईपी कल्चर शुरू किया है योगी साहब ने और हमारे पीएम साहब ने। अब देखिए, ये पीएम आते हैं वहाँ पे काशी में जाएंगे, 3 दिन पहले वहाँ पे देख के आते हैं। ये वीआईपी कल्चर का बाप है। 200 आदमियों की बारात लेके चलते हैं, 500 गाड़ियां लेके चलते हैं, देश का पेट्रोल फूकते हैं। वीआईपी कल्चर का बाप तो इन्होंने कर रखा है। अधिकारियों को क्या है, उनको लाल बत्ती से क्या करना है? रास्ते ब्लॉक कर देते हैं पीएम साहब, रोड शो करते हैं, बोलते हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं कि अपनी बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। वीआईपी कल्चर तो इन्होंने किया है। आप देखिए कितना नष्ट करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का फूल बरसा देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि उन्होंने कटर लगा दिए 50 लाख के, 30 लाख के, 10 लाख के। हमारे पीएम साहब को क्या शौक है सर, इतने फूल बरसवा रहे हैं जितने राम जी पर फूल भी बरसते हैं उतने फूल बरसवाते हैं। ये वीआईपी कल्चर है कि नहीं सर? ये क्या चीज है वीआईपी कल्चर, ये क्या खत्म करेंगे सर? ये बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता हमको प्यार करती है, ये क्यों 200 आदमियों को लेकर चलते हैं? ये कम से कम खुले जाए, 2 गाड़ियों में जाए, 3 गाड़ियों में जाए। प्रेम बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। गिरीश एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। गिरीश अपनी बात को रखें। ये हम कहेंगे सरकार जो कर रही कदम, ये अपराध बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैंने लखनऊ में भी देखा, कानपुर में भी देखा, मुझे ड्राइवर ने दिखाया कि आईपीएस अधिकारी की फोटो टोपी रख करके गाड़ियां पास करते हैं, सत्ताधारी दल के स्टिकर लगा करके गलत सामान गलत चीजें सब इधर उधर ले जाते हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है कि वह जिसपे उत्तर प्रदेश लिखा है पहला उस पर सख्ती करे और काला पेंट से तुरंत फोट दे। अगर वो सही, केवल सरकारी गाड़ी का उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा जा सकता है, किसी प्राइवेट गाड़ी का उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं लिखा जा सकता है या किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा जा सकता है। जहां भी लिखा दिखता है तुरंत रोक के गाड़ी काला पेंट से पोंछ दिया जाए। तत्काल प्रभाव से पहले यही कदम करना चाहिए।
बाकी और जो आगे के स्टेप हैं वो बाद में करिए, पहले तो ये जो सरकारी डिपार्टमेंट का स्टिकर लगा के चल रहे हैं सबके पोस्ट दीजिए, क्योंकि सरकारी गाड़ी पर ही सरकार का स्टिकर लग सकता है, प्राइवेट गाड़ी पर नहीं लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम अपनी बात को रखने के लिए। अब हम सीधे आलोक त्रिपाठी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात पूरी होते फिर मैं महेंद्र सिंह जी का रुख करूंगा। आलोक जी अपनी बात को पूरा करें। जी तो मैं ये कह रहा था कि और इसकी शुरुआत राजधानी से हुई। देखिए हम जो हम जड़ पे नहीं प्रहार करते हैं, हम ऊपर लेवल पे प्रहार करते हैं। सबसे बड़ी बात लखनऊ राजधानी है और राजधानी में हजरतगंज जो कोतवाली है उस कोतवाली के ठीक सामने दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जहां पे ये लाल नीली बत्तियां हुटर मिलते हैं, हम उनपे क्यों नहीं अंकुश लगाते हैं? अगर हम बेचने वाले पे अंकुश लगा देंगे, बनाने वाले पे अंकुश लगा देंगे तो ये लगाएंगे कहां से? तो हम उनको तो प्रेशर देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहां से स्थानीय लेवल पे मिले होते हैं। दूसरी आप देखिए ये कल्चर मतलब बाहर बहुत लोग चल रहा है। पहले मैंने जो देखा कि मतलब जो कप्तान होते थे, डीएम होते थे, वो सिंगल अपनी गाड़ियों सरकारी जो गाड़ी होती है उस पर चलते थे, लेकिन उनके अंदर भी ये एक जिज्ञासा हुई कि हमको भी भौकाल टाइट रखना है, तो उनके उन्होंने भी अपने साथ में दो गाड़ियां, पता चला कि एसपी के साथ में दो गाड़ियां चल रही, डीएम के साथ में दो गाड़ियां चल रही, तीन तीन, तो ये भौकाल टाइट करना कि मतलब पब्लिक में लगे कि कोई अधिकारी निकल रहा है। और ये कल्चर अपराधियों को देखा देखी अधिकारियों में आया। पहले ये अपराधी करते थे, अपराधी उससे 10 कदम आगे हो गए कि उन्होंने अपने साथ दो दर्जन सिक्योरिटी वाले रख लिए प्राइवेट, और जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी ड्रेस सेम टू सेम वही ड्रेस अपने अपराधी टाइप के लोगों को पहना करके वो अपने साथ रखते हैं, जिसमें जनता में भयभीत रहती है, जनता भ्रमित रहती है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है जिस अपराधी के साथ जिस नेता के साथ चल रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट है, और ये इसी तरह का पूरा जनता में रौब डालते हैं और इसमें कई अपनी अवैध जो विधियां होती हैं उसका भी संचालन करते हैं। तो सरकार को इस तरह की जो भी चीजें हैं उस पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए कि आप हुटर नहीं ले सकते, जो बेच रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये ना हो कि एक हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके फिर छोड़ दिया जाता, दूसरे दिन से फिर वो बेचने लगता है। ये ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं चला, इसके पहले भी इस तरह के कई बार अभियान चले, लेकिन कुछ दिन चलते हैं और मीडिया में सुर्खियां बनते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो इसको एक धरातल पर लाएं, इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाएं, और खासकर जिस तरह से जो प्राइवेट लोग गनर लेके चल रहे हैं सरकारी वर्दी पहना करके उस पे बहुत ज्यादा अंकुश लगा है, तो जनता मुझे लगता है ज्यादा खुश होगी। हाँ, खामखा अपने आप को जेड प्लस वाली जेड प्लस वाला फील लगाते हैं। मुझे लगा मैंने एक बार देखा है एक जन को कि वो पूर्व विधायक थे, मैं सुल्तानपुर या कहीं भी आसपास जिले में था, तो मैंने वहां पर देखा कि भाई तो मोदी जी और योगी जी के साथ एक एनएसजी कमांडो चलता है एक ब्रीफकेस लेके जो कि शील्ड होती है। अब वो शील्ड तो नहीं मिल पाएगी इनको, तो लैपटॉप कैरिंग बैग उनके पास था और बकायदा दो जो आगे चल रहे थे वो लेके चल रहे थे। अब वो ऐसे ऐसे लोगों को हटा रहे थे कि लग रहा था कि इनको जनता से खतरा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं रुक करूँगा महेंद्र सिंह जी का, राजनीतिक विशेषज्ञ है। वीआईपी कल्चर और राजनीति ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अभी मैं खबर देख रहा था कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारस के लोगों के लिए एक अलग से रास्ता बनेगा जिससे वो सीधे एंट्री कर सकें, क्योंकि हो क्या रहा था कि बनारस का जो मूल वासी है उसको दिक्कत होने लगी थी, जो डेली दर्शन करने जाता है उसको भी लाइन में लग के जाना पड़ता था। तो अब जैसे ही वहाँ पे कुछ स्थिति बदली है तो उन्होंने कहा कि नहीं, काशी के लोग सीधे एंटर जाएंगे और उनके लिए उनको कुछ पास आस बना के इशू किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये वीआईपी कल्चर दरअसल एक जगह नहीं है, हर जगह है। आप कहीं भी जाएं, वो मंदिर हो, सड़क पर हो, वो क्लबों में हो, वो आप क्रिकेट देखने जाएं वहां पर भी, सब जगह वीआईपी कल्चर है। और इसको खत्म करना या इस पे अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो वीआईपी है और जो नहीं भी वीआईपी है वो वीआईपी दिखना चाहता है, तो इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करते हैं लोग। और सड़क पर तो बहुत ही ज़्यादा भोंडा प्रदर्शन होता है इसका, कोई भी गुंडा बदमाश, कोई भी किसी ने मतलब, आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो ज़मीनें बिकी हैं और पैसा आ गया और स्कॉर्पियो क्या और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनसे उनका मसल पावर दिखे, समाज में उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाए, बाहुबली सबको बनना है, तो उस तरीके के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और अधिकारी तो खैर लगाते हैं, अधिकारी तो बड़ा कोशिश की गई प्रशासन में, तमाम जिनको पहले लगती थी
वो बत्ती भी छीन ली गई तो अब उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आम जनमानस जो वीआईपी कल्चर को अपनाता है वो बहुत, और उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा होती है इस मामले में। तो ये अगर पहल की है तो अच्छी पहल है, स्वागत किया जाना चाहिए ऐसी पहल का। लेकिन जो आपने मंदिर की बात बताई काशी विश्वनाथ हो या अयोध्या के मंदिर में, अयोध्या का मंदिर भी देख के आया, वहां पर भी अभी प्रोसीजरल तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है वो वीआईपी दर्शन करा रही है, और यहाँ तक कि वहाँ फोटो भी खींचे जाते हैं मोबाइल, जबकि मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन आप जाएं और देखें वहां पर पुलिस वाले खुद जिन गेस्ट को ले जाते हैं उनके फोटो खींच रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीजें सिस्टम को बाईपास करके, सिस्टम ही बाईपास करके ले जाता है चीजों को, और कोई नहीं कर सकता इस तरीके से। और जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई ये चीजें बिकती क्यों है, मार्केट में है क्यों नहीं है, छापेमारी वहां होनी चाहिए, उन सब चीजों को भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रोकथाम जरूरी है। और इससे एक अलग तरीके का भय पैदा होता है, आप रोड पे चलिए आप देखिए कोई सायरन बजा रहा है, कोई वो दिखाना ये चाह रहा है कि उसकी अहमियत कितनी है, मसल पावर कितना है उसके पास। तो ये है तो एक कुरीति और सामाजिक कुरीति है, सरकार उसको कितना ठीक कर पाएगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देश भर में ये कुरीति है, कहीं भी जाइए। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह हो गया, आपने तो ऐसी चीजें हैं महन जी की आप कह नहीं सकते। अब तो अब वीपी, अच्छा पहले कहता था वीआईपी आ रहा है, आजकल वीआईपी शब्द हटा दिया, आजकल कहते प्रोटोकॉल लग गया है, अब वो नया आ गया कि प्रोटोकॉल लग गया है, अब वो प्रोटोकॉल पे चल रहा है जीवन। और होता क्या है कि कोई भी हो, मैं स्वयं अयोध्या दर्शन करने गया तो मुझे 1.5 घंटे लग गए, मेरे बगल के साथी बड़े सुबह से मेरे साथ थे, मैं उनको दिख रहा था, बाद में 2 पुलिस वाले उनको लेके गए क्योंकि इनका प्रोटोकॉल लगा है। तो भगवान के पास भी लोग प्रोटोकॉल लगा के जा रहे हैं, बाकायदा उनकी फ़ोटो वोटो भी खींची। मैं इस सुविधा का फ़ायदा नहीं उठा पाया, जिस बात का मुझे अभी भी गम है कि भाई सभी लोग फ़ोटो डाल रहे। अवरल मलिक जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सर आपके पास गाड़ी है उसमें हूटर तो नहीं लगा है, या आपके आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर किसी गाड़ी में, राजनीतिक गाड़ियों में हूटर लगा हो? कल्चर की जहां तक बात है तो वीआईपी कल्चर को प्रमोट किसने किया और किसके समय में वीआईपी कल्चर प्रमोट हुआ? वीआईपी कल्चर केवल और केवल यदि प्रमोट हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में प्रमोट हुआ। वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का कार्य यदि किसी सरकार के द्वारा किया गया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। आजादी के बाद किसकी सरकार आई और इस प्रकार से जो वीआईपी कल्चर का ट्रेंड है ये प्रारंभ किसके कालखंड में हुआ? ये कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ, कांग्रेस की ये देन है और कांग्रेस को एनडी गठबंधन वालों को स्वीकारना चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है जिस प्रकार से हम फैसला लेते हैं लाल बत्ती हटवाने का, तो उस चीज को देखना चाहिए। हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, हम जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, जनता के मध्य में सीधा जाते हैं, जनता के और हमारे मध्य में कोई किसी प्रकार की रुकावट ना आए, हम इस विचार को रखने वाले लोग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि तुम लोग फोन नहीं उठाते हो और जनता परेशान हो रही है, सीयूजी नंबर तो उठते नहीं, ये जनता से सीधा मिलाप कहां हो पा रहा है? अरे एक वही कड़ी है अधिकारियों की, वो अधिकारियों से कह रहे जनता दर्शन तत्काल शुरू किए जाए और लोगों से उनकी समस्या का निस्तारण किया जाए वरना मैं एक्शन लूंगा। ये सब हुआ है 12 से 17 जून के बीच में, 4 जून के रिजल्ट आने के बाद, इससे पहले क्या ये सब हो रहा था? रोज खबर आ रही थी कि विधानसभा के पास किसी ने जहर खा लिया, आग लगा ली, किसी ने एसपी ऑफिस के अंदर जाके जहर खा लिया, एक दंपत्ति ने आग लगा ली, इस तरीके की खबरें तो रोज आ रही थी। ये अधिकारी क्या कर रहे थे और इनकी रिपोर्ट क्या होती है भाई कि उस जिले का उस मंडल का कोई सीनियर अफसर उनको कहता होगा कि भाई ऊपर से आदेश है, ये सब काम क्यों कर रहे हो तुम लोग? तब जनता से कनेक्ट नहीं था क्या? और घूम फिर के कांग्रेस को कोसने से अच्छा है कि आप अपनी प्रणाली को देख लीजिए, वो इतने अच्छे होते तो शायद 10 सालों से या अब तो 15 साल मान लीजिए ना, 11 साल पहले हटाए ना गए होते। बिल्कुल निश्चित रूप से जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा जताया है, इसीलिए जताया है क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है और जनता को पसंद आया है, इसीलिए मोदी जी के ऊपर भरोसा जनता ने जताया है।
और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया है तो इसीलिए बनाया है। और कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, इन्हें समझना चाहिए जहां जहां जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें आज भी हैं वहां का क्या हाल है वो दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है उसका समाधान करने का हमारे द्वारा निश्चित तौर पर प्रयास किया जाता है। अगर ऐसे समाधान हो रहे होते ना, एक बार मैं आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखा दे रहा हूं, फिर मैं आपसे उस पर सवाल करूंगा। एक बार गोरखपुर के जनता दर्शन की तस्वीर दिखा दीजिए। शायद अविरल भाई आपको भीड़ दिख रही होगी इसमें, अब फिर मैं आपके पास आऊंगा। तब तक दो दर्शक हमारे साथ चंद्रप्रकाश कुरुक्षेत्र से हैं, इनसे सवाल लेता हूं। चंद्रप्रकाश जी अपनी बात को रखिए। सबसे पहले जनता दर्शन अगर किसी ने चालू किया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने चालू किया था, नीतीश कुमार जी ने भी किया था। इससे पब्लिक की समस्या का निदान तो हुआ, परंतु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, हमारे देश के जो राजनेता हैं वो जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? जो जैसे आए वैसे सुविधा के अनुसार जो है ना वो बात को मोड़ देते हैं। एलोन मस्क ने अमरीका के चुनाव के बारे में कहा कि वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है, और हमारे देश के राजनेता ऐसे हैं कि उधार के सिंदूर से और ईवीएम की मांग भर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। मैं ये फिलहाल चंद्रप्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मुद्दा जो हमारा है वो कुछ और है और आपकी बात भी ठीक है। गुंजन जी हैं, एक और दर्शक हैं प्रयागराज से। गुंजन जी अपनी बात को रखें। भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही बहुत अच्छी कही है। इसमें क्या है, सबसे पहले मंदिरों में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। भगवान तो सबके लिए एक है, दर्शन सबको एक जैसा होना चाहिए। वीआईपी कल्चर के लिए पैसे लगा के दर्शन करना, ये मैं समझता हूँ कि इससे सबसे पहले रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी अपनी बात को रखने के लिए। फिर मैं चलूंगा डॉक्टर अवरल मलिक के पास। अवरल जी आप देख रहे हैं भीड़, अगर इतना ही अधिकारी काम कर रहे होते ना तो यहां इतने लोग ना दिखते। ये बुलाए तो गए नहीं है, ये तो खुद आए बेचारे कि आज महाराज जी मिल जाएंगे। और छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी। आप कह रहे हो कि ये किया वो किया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप हैं देश की, उसके बाद भी वो चीजें उस तरीके की हो नहीं पा रही हैं। अब आप फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगे इंडिया गठबंधन पे। मैं तो कह रहा हूं उन पे बात ही मत करिए आप। आप सिर्फ ये बताइए कि मैं ये करूंगा। उनको तो नकार दिया ना पब्लिक ने, आप सिर्फ अपनी बात करिए। देखिए कोई भी सामान्य व्यक्ति विदाउट मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिल रहा है, इस बात को समझना आवश्यक है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कितना गरीब लोगों से वो मिलते थे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय कितने लोग विदाउट अपॉइंटमेंट उनसे मिल सकते थे। जिस तरीके से योगी जी डायरेक्ट मिल रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं, तो ये हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके और तत्काल किया जा सके। चलिए इस पर जवाब लेंगे अवधेश यादव से। चलते हैं अवधेश यादव के पास, सपा प्रवक्ता हैं। अवधेश जी आप पर तो ये आरोप लग रहा है कि आपसे सीधे कोई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और ये देश के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से हैं, तो आप भी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता तो मैं आपको कह ही सकता हूँ। देखिए विशाल जी, इन बीजेपी प्रवक्ता को नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री का आवास है, जिस रोड पर आज परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है, जब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, विशाल जी कभी आप भी उधर गए रहे होंगे, तो पूरे प्रदेश की आम जनता का मजमा लगा रहता था उस रोड पर। और अखिलेश जी तो इतने सरल स्वभाव से मिलते थे कि अगर उनकी गाड़ी आ रही है और गेट पर कुछ लोग खड़े हैं तो गेट पर अंदर जाने से पहले वही उतर करके उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे। कई बार उस समय मैं खुद गोरखपुर का जिला अध्यक्ष था, हमारे जिले की कई समस्या लेके लोग गए थे, अभी सुबह की ट्रेन से गए थे, अर्ली मॉर्निंग वो पहुंचे, वो गेट पे खड़े 5-7 लोग खड़े थे और अखिलेश यादव जो वहीं उतरे, उन्होंने पूछा क्या मामला आप लोगों का है और बताया, और आप ताजुब करेंगे उस पर इतना फास्ट एक्शन हुआ कि एक हफ्ते के भीतर उनकी समस्या का समाधान हो गया। उन लोगों ने मुझे आके धन्यवाद भी दिया इस बात के लिए। अभी जो लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ये लोग तो 10-11 साल पहले, अब बताइए कांग्रेस ने वीआईपी कल्चर लिया, समाजवादी पार्टी ने वीआईपी कल्चर लिया, भैया 10 साल से केंद्र में ऊपर हो गया, 7 साल से ऊपर आपको स्टेट में हो गया,
आज भी आपके यहाँ सारी हूटर की गाड़ियां। मैं बता दूं विशाल जी, चुनाव के समय मैंने आपत्ति दर्ज कराई। एक दिन मैं जा रहा था और बीजेपी का झंडा लगा हुआ, जबकि उसका पास नहीं था, और हूटर बजाती हुई गाड़ी हमें ओवरटेक की। मैं सी विजिल पर उसका कंप्लेंट किया। सी विजिल एक ऐप था जो निर्वाचन आयोग ने दिया था। मैंने अधिकारियों को कंप्लेंट किया, मैंने जिलाधिकारी के ऊपर कंप्लेंट डाला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनके लोग जो बीजेपी के लोग थे, चुनाव के दौरान मैं बता दूं बिना परमिशन की गाड़ियों पर झंडे भी थे, हूटर भी थे, और हूटर बजाते लोग चल रहे थे। जो जनता ने देखी है, जनता ही असली जज है, जनता ही असली निर्णय करती है। अगर ऐसा नहीं करते तो आज उत्तर प्रदेश में इनको इतना करारा जवाब नहीं मिलता। आप भी बताइए, 7 साल के बाद आप जाग रहे हैं, कह रहे हैं वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, और आज भी गाड़ियां, अभी मैं देख रहा था कि मैनपुरी का देख रहा था और कई जिलों का देख रहा था, वहां चेकिंग में आज 50 गाड़ी चलान हुआ, 100 गाड़ी चलान हुआ, इतने होटल उतरवाए गए। भैया आप 7 साल से यूपी में, 10 साल से केंद्र में हो, अगर इतने वीआईपी कल्चर आपने खत्म कर दिया तो कहां आज के डेट में उतरवाना पड़ रहा है? ये तो बहुत पहले, 10 साल पहले, 7 साल पहले उतर जाना चाहिए था। तो देखिए, ये लोग चूंकि अपने पास कोई जवाब है नहीं, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कितने इजली सबसे मिल रहे हैं, जनता दरबार की हालत यह है कि मैं बता दूं कि जनता दरबार में वही व्यक्ति 10-10 बार जाते हैं, चिट्ठी आती है, मार्गो के अधिकारियों पर जाती है, समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर उनका रजिस्टर लेके देख लें तो आप पाएंगे जितने लोग आए, अगर 1 हफ्ते 10 दिन तक आप चेकिंग करवा लें तो आप पाएंगे कि अगली बार जब जनता दरबार होगा वो बेचारे वहां पहुंचे होंगे, उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। यहाँ की एकदम ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है, इन लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए जनता का भरोसा इनसे उठ गया है, क्योंकि ये लोग जनता की समस्या का समाधान नहीं कर रहे थे, ये लोग आपस अपने समस्या का समाधान कर रहे थे। और इतनी लूट खसोट है विशाल जी, मैं क्या बताऊं, कभी ये लोग भी अपना कहा होता ना पुराने जमाने में, चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में होता था, भेष बदल के वो करप्शन को रोकने का काम किया करते थे। ये लोग अपने आप को सामान्य या दूसरे दल का या कोई कार्यकर्ता बन के, आम नागरिक बन के जाए तो देखें किस तरह से थानों में, कचहरी में कितना भयंकर लूट चल रहा है। ये लोग तो एकदम आंख बंद किए हुए हैं, इसीलिए जनता इनको जवाब दे रही है। अभी देश की नंबर वन, प्रदेश की नंबर वन पार्टी अपने, भैया हर पार्टी नंबर वन होती है जब काम नहीं करती है ना, तो वही नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार पे चली जाती है। बहुत से राज्यों से भी आप साफ हुए, यूपी से भी आप साफ हुए हो, और धीरे धीरे आने वाली जनता को बात समझ में आ रही है। ठीक है, आने वाले अभी जो चुनाव हुए उसमें आप अपने आप को नंबर वन दिखा रहे हो, ईडी सीबीआई कितनी ज्यादा सिस्टम आपने लगा करके, सैकड़ों से 50 सीट तो आपने बेईमानी से जीता भैया। अगर आप ईमानदारी से उस पर गणना करा लेते 50 सीट आज ही पीछे होते आप। ठीक है, जनता है, जनता सब देख रही है, हम तो देख रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, हमारे गोरखपुर के खुद 1-3500 से हम लोग आ रहे हैं, जनता कह रही भैया कहीं ना ये बेईमानी, अब कितना वोट सब लोग जिता देंगे, आगे देखते कितनी बेईमानी लोग कराते हैं। आपका तो छवि जनता के बीच में खराब होता चला जा रहा है, जनता आपको बेईमानी की निगाह देख रही है कि आप लोग ईमानदार लोग नहीं हो, क्योंकि जब कोई आपसे आपत्ति करता है तो उसके यहाँ अधिकारी पहुंच जाता है, कोई लड़का होल्डिंग लगा देता है तो उसके घर उसको इतनी बड़ी FIR, बाप रे बाप, 4-4 थाने की पुलिस छापा डालती है। अरे लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अच्छा, वो होल्डिंग जो लगाई गई थी वाराणसी में, उस होल्डिंग का जिक्र कर लीजिए ना, उसमें लिखा था घमंड टूटेगा। तो भाई कौन सा, उसमें किसी को तो नहीं लिखा था, उसने किसी का नाम तो नहीं डाला था, फिर भी 4-4 थाने की पुलिस, बताइए उसको, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। ये क्या है, लोकतंत्र यही है क्या? मतलब आपके कुछ भी, और ये बातें सभी लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है इस बात को, वो तो बेचारा चलो छात्र नेता था, कर दिया, नहीं उसकी इतनी बात थी, लेकिन उसने किसी का घमंड टूटेगा नहीं लिखा, उसने घमंड टूट गया लिखा, जनता को बधाई लिखा, तो जनता ने काम किया। तो इस तरीके से जब एक्शन होंगे तो उस क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया ही होती है, उसकी शाबाशी नहीं मिलती, मैं बता दूं आपसे, और आज भी वही हो रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। अभी लोग सुधरे नहीं है, क्योंकि 27 के चुनाव तक कई लोग सुधरने वाले भी नहीं है, और जनता इनको 27 अभी तो सुधारी है ना, केंद्र में उत्तर प्रदेश ही है जो इनको बहुमत से दूर कर दिया है, और उत्तर प्रदेश ही है जो सबसे बड़ा राज्य है और इनको 27 में सत्ता से भी दूर कर देगा। देखो महेंद्र सिंह जी के पास आऊंगा, महेंद्र सिंह जी अच्छा, ये सिर्फ बोल देने से कि वीआईपी कल्चर खत्म, आपको लगता है इतना आसान होगा यूपी जैसे स्टेट में? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होगा, ये हम सबके स्वभाव में आ गया है वीआईपी कल्चर का, तो ये खत्म नहीं होगा, सिर्फ आदेश देने से खत्म नहीं होगा। इसको अगर कड़ाई से पालन किया जाए इसका, और एजेंसियां जिनको पालन करना है पहले तो उनके अंदर से वीआईपी कल्चर हटे, क्योंकि जिन एजेंसियों को ये लागू करना उनके अंदर सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर है। एक अनुमान है कि हिंदुस्तान में 6 लाख से ऊपर वीआईपी, तो ये सबसे ज्यादा देश में हिंदुस्तान में वीआईपी है, विदेशों में इतना नहीं है। आप चाइना में जाइए 500-600 वीआईपी,
वीआईपी कल्चर हमारे अब स्वभाव में आ गया है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से रहा है, हमेशा से रहा है। अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो खुशवंत सिंह लिखते हैं किताब में अपनी कि वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल उनके साथ आगे बढ़ चलती थी पायलट के तौर पर। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो एक कार, सिर्फ एक कार आगे चला करती थी। राजीव गांधी तो खुद अपनी कार ड्राइव कर लेते थे कई दफे। लेकिन उसके बाद से जो कल्चर, ये वीआईपी कल्चर बढ़ा है और आज तक बढ़ता जा रहा है, तो ये आप ये सोचें कि सिर्फ आदेश दे देने से ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं लगता। क्योंकि ये हर जगह आ गया, हर एक छोटा बड़ा आदमी अपने आप को वीआईपी समझता है, तो अब उसको आप कैसे खत्म करेंगे? तो जिन एजेंसियों को ये काम करना है वो एजेंसियां उनके अंदर खुद, अब एक अगर उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर पुलिस वाले का, दरोगा जी का लड़का है, वो खुद अपने आप को वीआईपी समझने लगता है, वो कहीं जाता है तो वो कहता है कि साहब थानेदार के बच्चे हैं, जानते नहीं हो क्या? तो ये कल्चर अब स्वभाव में आ गया है इस तरीके का हर जगह, तो इसको सिर्फ आदेश से नहीं खत्म किया जा सकता है, इसको एक तो जागरूकता लाने की जरूरत, इससे नुकसान क्या क्या होते हैं सामाजिक तौर पर। अब आप देखिए, जो नेता पहले जब जिनके लिए रूट लगाया जाता है उनकी वजह से कई बार तो एम्बुलेंसेस तक रुक जाया करती थी, अभी थोड़ी सी सेंसिटिविटी आई है तो एम्बुलेंसेस को जाने देते हैं पुलिस वाले, वरना आप बीमार हैं, आप रुके पड़े हैं, या कई जगह रूट लगता है तो उसमें क्या होता है कि आपको कहीं ड्यूटी पे जाना है या इंटरव्यू के लिए जाना है या कहीं और जाना है, तमाम तरीके की चीजें, आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है। ये वीवीआईपी जब मूवमेंट है, वीवीआईपी जब निकल जाएंगे, आप आधे घंटे के लिए रुके रहिए या एक घंटे के लिए रुके रहिए, वो डिपेंड करता है कितनी देर तक वीवीआईपी रूट लगाए, तो वो बहुत जरूरी है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट जब आई केंद्र में, मोदी जी ने इस पर काफी पहल की, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने लाल बत्ती गाड़ियां हटा दी, रूट लगने कम हो गए, लेकिन एक इस मैटर को सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसको सामाजिक तौर पर भी देखना चाहिए कि समाज में एक बुराई घुसती जा रही है, वहां पर पहल करने की जरूरत है, वहां पर सेंसिटाइज करने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल, मुझे तो एक किस्सा याद आता है कि एक देश के बहुत बड़े पद पर एक व्यक्ति मंचासीन थे और वो जब अपने गृह जनपद दौरे पर आए तो उनकी फ्लीट वहाँ से निकल रही थी और एक व्यक्ति थे वो अपनी माताजी को लेकर अस्पताल जा रहे थे, पुलिस वालों ने रोक दी उस गाड़ी को और गाड़ी इतनी पीछे थी कि वो अगर हाथ में भी ले जाते तो भी वो रोक लिए जाते, लगभग एक क्रॉसिंग के पास का ये मामला था, फिर क्रॉसिंग बंद हो गई जिससे उनकी महिला की मौत हो गई। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, वो ही आए हुए थे और उन्होंने बाकायदा इस पर माफ़ी बाद में राष्ट्रीय भवन से मांगी गई थी कि हमें जानकारी नहीं, ये अनजाने अनजाने में जो भी हुआ। तो ये चीज़ें हैं। अविरल मलिक जी, मेरा एक सवाल आपसे पहले भी था और अभी भी, बीजेपी के लोगों के पास जो इतना हूटर लगा के गाड़ी चलाने का शौक़ जो है, और सभी पार्टियों का, मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जब से सरकार इधर 7 सालों में उनको तो कार्रवाई हो जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़ी हूटर लगा के और बाकायदा चौराहों पर ये बताना कि मैं फला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और फला पार्टी में इतना बड़ा कार्यकर्ता हूँ, इसको कैसे देखते हैं आप, इसको इस पर कैसे लगाम लगेगी? पार्टी के अंदर भी कोई आदेश आया है क्या? नहीं, देखिए यदि कोई इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के ये संस्कार है कि हम किसी को डराने के लिए इस प्रकार का कार्य करें, ये हमारा कभी उद्देश्य रहता ही नहीं है। और हूटर का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, किस लिए हूटर का प्रयोग करना है? और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वीआईपी कल्चर से दूर है, हम वीआईपी कल्चर को कभी फॉलो नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं, और सड़कों पर दिखता है जब समाजवादी पार्टी का कोई नेता जाता है तो अपने आप मालूम पड़ जाता है कि किस प्रकार से वो वीआईपी कल्चर को फॉलो कर रहा है। इस बात का उत्तर इन्हें देना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद है। नहीं, किस तरीके का वीआईपी कल्चर होता है इनके यहाँ, वो तो बताइए। नहीं, वो देखने को मिल जाता है, और अजीत सिंह जी ने बेहतरीन तरीके से बताया था, चौधरी अजीत सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया था इनका कौन सा कल्चर है, आपको ही मालूम होगा। एक दर्शक है, फिर मैं आपके पास आता हूँ, जनार्दन पांडे हैं वाराणसी से, जनार्दन जी अपनी बात को रखें।
जनार्दन जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उन पर कॉल करके। भैया जब आपकी पार्टी या कांग्रेस की भी निकलती है ना, मैं कह रहा हूँ पीस पार्टी डॉक्टर अयूब की, तो भी वीआईपी कल्चर है। भले दो गाड़ी निकले, अल्टो निकले, लेकिन हूटर बसता है। ये किसी एक पर तो कह ही नहीं सकते हम, चाहे वो सपा हो, मैं अवधेश जी के लिए भी बात कह रहा हूं, चाहे इनका छात्र नेता हो, चाहे आपका युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हो, वो कल्चर दोनों ही पार्टियों ने अपनाया है और दोनों को मजा आता है इसमें, चाहे वो कांग्रेस की बात हो। ये गाइडलाइन सिर्फ सड़क पर चल रहे लोगों की है। अब पुलिस पर फंदा कसा तो पुलिस ने चलान करना शुरू कर दिया, अब वो गाड़ियां ढूंढ रही हैं, अभी तक वो गाड़ियां उनको मिल नहीं रही थी, अब तो कोई भी पकड़ा जा रहा है। अमरोहा में प्रधान क्या लगा था तो उन्होंने कहा अरे अब आपने होटल लगा लिया, आप प्रधान है, आपको नहीं लगाना चाहिए, तुरंत चलान लीजिए। उनको पता है सिर्फ चलान होगा, तो हूटर जो ऊपर लगता है वो बोनेट के अंदर लग जाएगा, तब कैसे पकड़ेंगे? इस पर अधिकारियों के साथ साथ जो पार्टी के वर्कर हैं उनके लिए भी, दोनों अवधेश जी आपकी पार्टी भी और अविरल भाई आपकी पार्टी भी, आप दोनों ही लोगों को अपनी पार्टी के लोगों को बताना होगा, वरना 10 नेता आप भी जानते हो और 8-9 मैं भी जानता हूं आपकी पार्टी के, आपके कई साथी संगी होंगे जो खूब हूटर लगाए होंगे, ऐसा नहीं है आपको ना पता हो। मैंने तो आपसे पूछा था आपकी गाड़ी में तो नहीं लगाए हूटर, खैर आप जवाब दिए नहीं थे उसका। यदि गलती करेंगे, यदि युवा मोर्चा के लोग गलती करेंगे, अवधेश जी तो कह देंगे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ऐसा है जब अविरल या भाजपा वालों के पास कोई जवाब नहीं होता है तो ऐसे ही उलझुल जवाब होते हैं। मैंने कह तो दिया 7 साल से स्टेट गवर्नमेंट में है और 10 साल से ऊपर राज्य केंद्र में है और अभी भी गलती अवधेश जी की पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव जी की पार्टी कर रही है। अरे भैया आप एक बार अपना आंख खोलो, अभी भी आंख बंद किए हुए हो, कहां किस मुगालते में जी रहे हो? जनता इसी बातों का जवाब आपको दे रही है, आपके वीआईपी कल्चर का ही जवाब दे रही है। आप कम से कम अपनी आंख खोल के थानों पर देखो, कचहरी में देखो, जनता कैसे लूटी जा रही है, आपके लोग कैसे हुटर बजाते निकल रहे हैं, जनता का अनदेखी कर रहे हैं, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों पर वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। आपको ना भरोसा, वृंदावन चले जाओ, आप मथुरा काशी चले जाओ, देख लो, अपनी आंखों से देख के आओ। हम नहीं कह रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे, आप अपनी आंखों से देख के आओ और महसूस करके आओ, तब आपको लगेगा कि नहीं हमारे नीचे की जमीन तो खिसक रही है। लेकिन आप फिर वही बात है, सपा कांग्रेस फलनवा ढिकनवा वो सरकार थी नेहरू जी के जमाने में, यही करते रह जाओगे और वही नेहरू जी के जमाने वाली बात, जो भाई कांग्रेस आज सरकार में तो है नहीं, सरकार में आप हो तो जो कानून आज लागू होगा आपको लागू करना होगा, उनकी जब हमारी जब सरकार थी जो जो कानून लागू करना होगा हमने लागू किया होगा, कांग्रेस जब रहे उसने, आज आपकी सरकार है। 7 साल के बाद भी वीआईपी कल्चर अगर मिल रहा है, 7 साल के बाद भी गाड़ियों में हूटर मिल रहा है, चाहे किसी पार्टी का मिल रहा है, किसी व्यक्ति का मिल रहा है। आपने देखा अभी मीरपुरवा के अधिकारी का आप दिखा रहे थे, कोई किसी पार्टी का वर्कर नहीं है, वो आपका ही ब्यूरोक्रेट्स का एक अधिकारी है। तो सब बेलगाम हुए पड़े भैया, कहां किस दुनिया में जी रहे हो आप? और ये बार बार कह देना कि फलाना ने ये कहा, बहुत से लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा, अयोध्या की जनता ने ना बहुत आप ढिंढोरा पीट रहे थे कि ये हो गया, भगवान राम को हम लाए हैं और भगवान राम ने ऐसा करारा तमाचा मारा आपको, कहा कि नहीं तुम कुछ भी नहीं हो हमारे और उसके बाद ही 5 विधानसभा जीत गए थे ये, तब क्या कहेंगे? अरे अब ये समय नहीं है, समय ये है भाई, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अवधेश जी मैं रोकूंगा, अवधेश जी मैं आपको रोकूंगा, अविरल भाई मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, आपकी गाड़ी में हूटर तो नहीं लगा है? पार्टी और आप लोगों की नहीं है, भगवान राम। अवधेश जी मैं रोकूंगा, अवधेश जी मैं आपको रोकूंगा, अविरल भाई मेरी सवाल का जवाब दे दिए, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आपकी गाड़ी में हूटर तो नहीं है? अविरल भाई सुन पा रहे हैं मैं? जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपकी गाड़ी में तो हुटर नहीं लगा, आपके मतलब आपके संगी साथी बेचारे लगा के घूम रहे हो कि भाजपा का झंडा है और अविरल मलिक डॉक्टर अविरल मलिक प्रवक्ता है तो अपना मामला टाइट है, ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है? नहीं नहीं देखिए हम इस प्रकार के लोगों को प्रमोट करते ही नहीं है और खुद भी इस प्रकार का कार्य हम नहीं करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक ही जनता की सेवा कर रही है, जनता की सेवा ही नहीं हो पा रही है। मैं यही बता रहा हूँ, दोनों पार्टियों के जो नेता है ना वो सिर्फ हूटर बजा के अपने नेता को खुश कर रहे हैं, उनको लगता है हूटर जैसे हो गया शादी का बैंड लगा दिया, नेताजी खुश है, उसमें दूल्हा खुश हो जाता है कि 4 आदमी नाच रहे हैं।
अब हुटर में क्या, हुटर बजा दिया तो उसको लग रहा है कि नेता जी इतना खुश हो गए हुटर से, और अगल बगल चलने वाली उनकी जो वोटर है वो इतनी ही बातें सुनाती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो। और उसके बाद जब उनको सफारी पहन के चार लोग उतरते हैं नेताजी के बगल से, वो यूं यूं हटाते हैं जनता को, चाहे शादी में जा रहे हो और चाहे वो किसी के मरने पर जा रहे हो, और बाकायदा वो चश्मा लगा के अपने आप को ऐसा बताएंगे कि मोदी जी के गार्ड हैं। कई बार तो चुनाव नतीजे आने से पहले मैंने एक भाजपा के प्रत्याशी को देखा कि हट जाइए विधायक जी आ गए हैं, 25,000 से हार गए। तो जब उनका हाल चुनाव से पहले ये है तो विधायकी के बाद वो क्या करेंगे। जनार्दन पांडे एक दर्शक हैं, काशी से जुड़ चुके हैं। जनार्दन जी अपनी बात को रखें। एक दर्शक और विक्रम है गुजरात से, उनका रुख करूंगा। विक्रम अपनी बात को रखें, चलिए फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके अपनी बात रखते हैं। आलोक जी आपका रुख करूंगा। ये सिर्फ बोल देने से या ट्वीट करने से या एक आध दो लोगों का चलान या जैसी व्यवस्था है, मुझे लगता है इसके लिए बाकायदा लोगों को बताना चाहिए कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी हूटर लगा लें, आप दुनिया भर की चीज़ें गाड़ियों में लिखवा लें। अब जैसे अभी एक दर्शक कह रहे थे कि पुलिस लिखवाना ही पाप है, मैं कह रहा हूँ पुलिस भी, मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए, और इनको रोकना जब चाहिए, जब एक आध दो कठोर फैसले हो जाएंगे तभी हो पाएगा, वरना ऐसे तो हर कोई चलान के डर से वो कहीं ना कहीं छुपा के कुछ ना कुछ करेगा ही। विशाल जी, ये कहते हैं ना कि जब जिसके ऊपर जिम्मेदारी है हटाने की, कभी आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री विधानसभा में सभी पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों, कमिश्नरों और जितने भी अधिकारी हैं उन सबकी मीटिंग बुलाते हैं, जब पूरे प्रदेश के जिलों के अधिकारी अब यहाँ लखनऊ आते हैं, आप तो विधानसभा के चारों तरफ जब गाड़ियां खड़ी होती आप देखिए उनमें से 70% गाड़ियों में हूटर और लाल बत्ती, नीली बत्ती, इस तरह की चीजें लगी रहती हैं। तो जब जिनके पास जो जिम्मेदार है उन्हीं के ऊपर लगी है। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब भी आती है तो उसमें अधिकारी हावी होते। आप म्यूट हो गए। जब अधिकारी हावी होते हैं तो वो सरकार को या सरकार में बैठे मंत्री मुख्यमंत्री को अच्छी चीजें ही दिखाना चाहते हैं, वो ये दिखाना ही नहीं चाहते कि जनता परेशान है, जनता में क्या है। आप सोचिए कि अगर जिलों में सब चीजें ठीक हो रही होती तो आज विधानसभा के सामने 1.5 से 2 दर्जन कर्मी सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि कोई यहां आकर के आत्मदाह ना कर ले, उसके बाद भी आत्मदाह हो जा रहा है। तो ये जिले के अधिकारियों की नाकामी ही तो कहा जाएगा ना, कि आप जिले में उन समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से उसको विधानसभा आना पड़ रहा है, और आप सरकार ने विधानसभा पे आत्मदाह ना हो पाए उसके लिए दर्जनों की संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर रखे हैं। तो ये इस पे आप ये एक बड़ा कारण है कि आप जो अधिकारी हैं, आप अधिकारियों की आंखों से देखिए जरूर, लेकिन ये परखिए कि वो आपको सच दिखा रहे हैं या झूठ दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अधिकारियों पे डिपेंड अगर आप हो गए ना तो आप ऐसे ही वो, अब देखिए अधिकारियों से थोड़ा मामला खिंचा है तो ये चीजें आ गई हैं सामने कि भाई आप जनता दर्शन का कार्यक्रम करिए, निस्तारण करिए, तहसील दिवस में जाइए, जरा पहुंचिए। एक दर्शक सनी जुड़े हुए, सनी अपनी बात को रखें। सनी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं जी, अपनी बात को रखें। क्या मुझे सब लोग सुन रहे हैं? जी सब लोग सुन रहे हैं, आप अपनी बात को रखें। दर्शक नहीं सुन रहे हैं, मैं कैसे रखूं? सब आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात को रखें। हाँ हाँ बोल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, डॉक्टर अवरण मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आलोक त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे वीआईपी कल्चर का खात्मा, ये किस तरीके से होगा, ये एक पहेली है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से अधिकारी एक्शन में आ गए, जिस तरीके से मंत्री एक्शन में आ गए, और जिस तरीके से जनता को ट्रीट करने लगे ना, वो एक बड़ा सवाल है
कि भैया किस तरीके से आप जनता को ट्रीट कर रहे हो, जनता को आप इतने अच्छा बना दिया, काशी में तो अलग रास्ता ही बनाने दिया जा रहा है बनारस वासियों के लिए कि वो सीधे विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सके। अब देखना होगा कि 4 जून को नतीजे और 13 जून को अहम बैठक और अहम फैसले, ये कितना कारगर साबित होता है, जनता इसको कैसे लेती है। सिर्फ यूपी में नहीं और अन्य जगह तो चुनाव हैं, वहाँ पर भी क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, क्योंकि तो बड़ा सवाल यही था 2024 के चुनाव में जब यूपी जैसे राज्य में विपक्ष ने 43 सीटें जीत ली हों, और वहाँ लगातार वो ये कह रहे थे कि यहाँ तो अधिकारियों से मिलना मुश्किल है, यहाँ अधिकारी इतना परेशान करते हैं कि लोग फांसी लगाने को मजबूर हैं। अब देखना होगा ये कल्चर कैसे खत्म होता है, या खत्म होता है या नहीं होता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।